पालनपुर खाते आज स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती उजवणी कराई थी, जेमा शहर दिल्लीगेट विस्तार में स्वामीजी प्रतिमा ने पुष्पांजलि अर्पवामां आवी हती। हिंदू धर्मनो देश विदेश में प्रचार और प्रसार करना युवाओं माटे प्रेरणादायी स्वामी विवेकानंद जयंती आज देशभर में उजवणी थई रही है, त्यारे पालनपुर खाते पण विवेकानंद केन्द्र द्वारा स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती उजवणी कराई थी। राजकीय पक्षों सहित विविध संस्थाओं अग्रणीओ द्वारा स्वामीजी प्रतिमा ने पुष्पांजलि अर्पवामां आवी हती। पालनपुर शहर में 1971 થી स्वामी विवेकानंदजी जन्म जयंती उजवणी अविरत चालू है। आज 2021 में 50 वर्ष परिपूर्ण थाय छे, एनो आनंद है। आ 50 वर्षनी यात्रा में स्वामी विवेकानंदजी विचारों अने संदेश ने प्रसारीने अनेक युवानोना जीवन में राष्ट्रभावना केळवानुं भगीरथ कार्य पालनपुर विवेकानंद केन्द्र द्वारा थयुं छे, एनो आनंद है। पालनपुरना हारदसमा दिल्ली गेट थी रेलवे स्टेशन सुधीना मार्ग ने स्वामी विवेकानंद मार्ग नाम 1972 में ये वक्त जनसंघ अने अपक्षों की बॉडी थी। आ पालनपुर नगरपालिका में ये वक्त नामाभिधान थयुं हतुं अने छेल्ला 4 वर्ष पहला आपणे ज्यां स्थित छीए उभा छीए स्वामीजीनी प्रतिमा ज्यां आगळ प्रस्थापित थयेली छे ए दिल्ली गेटना चौकने स्वामी विवेकानंद चौक नाम પણ પાલનપુર નગરપાલિકા દ્વારા જનરલ વોર્ડમાં ઠરાવ કરીને આપવામાં આવ્યો છે। આના કારણે સ્વામીજીના વિચારોને અનુસરીને અનેક યુવાનો દેશના હિતમાં આજે કાર્ય કરી રહ્યા છે, એ સૌને અભિનંદન। સ્વામીજીના ચરણોમાં પુનઃ વંદન, નમસ્કાર, ધન્યવાદ। પાલનપુરમાં સ્વામી વિવેકાનંદજીની પ્રતિમાને 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। શહેરના દિલ્હી ગેટ ચોકને સ્વામી વિવેકાનંદ ચોક નામકરણ પણ કરાયું છે, ત્યારે સૌએ સ્વામીના આદર્શોને મૂર્તિમંત કરવાના સંકલ્પ લીધા હતા।